अशोक तंवर और अजय चौटाला एक दूसरे के गले मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने। अजय चौटाला ने कहा कि अशोक तंवर मेरा अजीज, गले मिलते रहूंगा। अशोक तंवर ने कहा कि अजय चौटाला और भाभी नैना चौटाला से आशीर्वाद लिया है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि ताऊ अजय चौटाला और अशोक तंवर की नजदीकियां बढ़ी। अर्जुन चौटाला ने ताऊ अजय चौटाला को दी नसीहत, जननायक देवीलाल कांग्रेस के खिलाफ थे, अपनी जननायक जनता पार्टी से जननायक का नाम हटा लें अजय चौटाला। अशोक तंवर और अजय चौटाला एक दूसरे के गले मिले। दोनों नेताओं के गले मिलने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों ही नेता इसे पारिवारिक मुलाकात ही बता रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टी इनेलो ने इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। अजय चौटाला ने अशोक तंवर को अपना अजीज बताया है और अशोक तंवर ने अजय चौटाला को अपना बड़ा भाई बताया है। बातों ही बातों में अजय चौटाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक तंवर के साथ इस समय कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं है। अशोक तंवर ने अजय चौटाला से मुलाकात को अपना संजोग बताया। वहीं इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने अपने ताऊ पर अशोक तंवर से मुलाकात करने पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि अजय चौटाला और अशोक तंवर में नजदीकियां बढ़ी हैं। जननायक देवीलाल हमेशा कांग्रेस के विरोधी रहे हैं और ताऊ अजय चौटाला अब कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से जननायक नाम हटा लें। K9 मीडिया के लिए सिरसा से दिनेश घनगस की रिपोर्ट। क्योंकि हम हमेशा से जननायक चौधरी जी को आप गले में मिले थे। मैं तो मिलूंगा, मेरा तो अजीज है वो। मिले थे आज? गले तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं तो ये मानूंगा कि ऐसा लग रहा था जैसे आशीर्वाद हमें देने के लिए वो पहुंचे। ऐसा अद्भुत संगम था कि वो भी वहीं थे, हमने उनका आशीर्वाद लिया और मैं समझता हूं कि सबका आशीर्वाद लेकर के पूरे हरियाणा का, समस्त कांग्रेस के सीनियर नेताओं का चुनावी मैदान में हम हैं और सारे साथी अपना अपना बूथ, अपना अपना गाँव, वार्ड, जिम्मेदारी समाज को संभालने का काम करे, यही मेरी सबसे विनती। गठबंधन की तो आपने भी बातें सुनी है, बड़ा दुख होता है इस चीज के बारे में सुन के भी कि गठबंधन की अगर बात भी करी जा रही है, क्योंकि हम हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चले हैं और एक कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कभी भी हमसे नहीं मिली। आज जब उन्होंने ऐसी चीज़ करी, जब ये गठबंधन की बात करी, जब उन्होंने ये सारे समीकरण बनाए, तो जो बड़े चौधरी साहब का ये चेहरा ये अपने झंडे पे लगाते हैं, जो उनके फेस को अपने झंडे पे लगाते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। ये जननायक शब्द उनको अपनी पार्टी से हटा देना चाहिए, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी कभी भी कांग्रेस की नीतियों के पक्ष में नहीं गए, वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं।